अगर आप लोग सीआरपीएफ एग्जाम को हल्के में ले रहे हो, अपने दिमाग से बात निकाल दो, ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन का लेवल काफी हाई, आपका आधा से अधिक समय उसी में निकल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, यह वीडियो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनटियर वाले जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, ये उन्हीं के लिए है। सो ये तो आज 27 फरवरी था, आज मेरा एग्जाम था जो कि यही पाटलिपुत्रा में दिया था। सो ये तो मैंने कुछ एग्जाम में ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें परखी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक देखिए। अगर आप लोग सीआरपीएफ एग्जाम को हल्के में ले रहे हो, अपने दिमाग से बात निकाल दो, ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई है और मैथ का तो पूछो मत, मैथ इतना कैलकुलेटिव आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है कि आपका आधा से अधिक समय उसी में निकल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना पढ़े हो उसका रिवाइज जरूर कर लेना, और सेंटर पर जाने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखना कि अपने एडमिट कार्ड का 2 कलर प्रिंट और 1 फोटो और 1 सरकारी ID प्रूफ जरूर लेकर जाइएगा, वो भी ओरिजिनल, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने आज देखा है बहुत सारे लड़के ID प्रूफ के चलते एग्ज़ाम नहीं दे पाए, 1 फोटो के चलते एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा गलती ना करिएगा, अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है जो उसमें मांगा गया है वो अपने साथ जरूर लेकर जाना है।